मेरा मन स्वदेशी, मेरा तन स्वदेशी। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। मेरा वे कफन स्वदेशी। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा हूँ। प्रेम उसके बाद ही पैदा होता है। जब वासना चली जाती है तब प्रेम आता है, वासना के पहले कभी भी प्रेम आता नहीं। जो हम प्रेम करते हैं वो प्रेम का दिखावा होता है, प्रेम नहीं होता। वासना खत्म होने के बाद प्रेम होता है। तो अपने बच्चों की आंखों में देखेंगे, वासना खत्म हो जाएगी तो प्रेम पैदा होगा, और फिर प्रेम का महत्व और मूल्य आपके समझ में आएगा, और वही मूल्य और महत्व आपको और आपके बच्चों को दुनिया का सबसे आदर्श इंसान बनाएगा। ज्यादा तो नहीं हो गया, बारी तो नहीं हो गया, क्योंकि ये विषय पे बात करते समय मुझे बहुत डर लगता है, कितना बात करना कितना नहीं करना, क्योंकि मेरे सामने सभी वर्ग के शिविरार्थी हैं, 5-6 वर्ष के भी हैं और 70-80 वर्ष की आई भी है, अज्जी भी है। अब इतने बड़े एज ग्रुप में बात करने से करते समय मुझे ध्यान रखना है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए और कुछ कम ना रह जाए, इसलिए मैं जितना कम कहते हुए कह सकता हूँ आपसे कह रहा हूँ। अभी इसमें आप और ज़्यादा समझना होगा, तो आप प्रश्न करेंगे तो और ज़्यादा माहिती इसमें से निकलेगी। मुझे बच्चे होने का जो गर्भाधान के पहले का संस्कार है उसके बारे में माहिती देना था, गर्भ पूरा होने के बाद के बारे में माहिती देना था, और बच्चे के जीवन में लाने के लिए जो नियोजन करना है उसके बारे में माहिती, 3 माहिती देनी थी, वो मेरी तरफ से पूरी हुई। अब आपका प्रश्न हो तो पूछिए। हाँ, संस्कार, गर्भ संस्कार, इसकी सब छोटी छोटी पुस्तकें हैं। स्वदेशी चिकित्सा, स्वावलंबी चिकित्सा, गंभीर रोगों की चिकित्सा, अष्टांग हृदय, ऐसी 7-8 तरह की पुस्तकें बनाई हैं, पीछे स्टॉल में है, आप ले सकते हैं, और पुस्तकों का अभ्यास करके यही सब माहिती आप दूसरों को दे सकते हैं। तो पुस्तकें आप ले जाइए, अभ्यास करके दूसरों को अभ्यास करने के लिए प्रेरित करिए। इतनी माहिती के साथ धन्यवाद। पण हे सगळं करताना कार्यकर्त्यांना खूप मोठा त्रास होतो, पण ते जर वाचनाच्या स्वरूपात लोकांना वाचायला मिळालं, काही लिखित माहिती मिळाली, तर ते लोक आपल्या घरामध्ये सुद्धा वाचू शकतील, हा उद्देश मनामध्ये घेऊन खरं तर या अंकांची आता निर्मिती होते। आणि शिवदेवीचा हा जो अंक आहे, मी संकल्पना बोलून दाखवली, त्यावेळेस कार्यकर्त्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला आणि त्यामुळे आपण या कामाला सुरुवात केली आहे। या व्यसनमुक्तीचं काम करणाऱ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना आपण आवाहन केलेलं आहे की त्यांनी संपूर्ण वर्षभरात एका वर्षासाठी म्हणून व्यसनमुक्तीचं काम करण्यासाठी, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की या ही संघटना जी आहे, ही संघटना कुठल्याही शासकीय अनुदानाशिवाय काम करते, किंवा मी तुम्हाला म्हटले सरकारचाच मुळात विरोध या कामाला असल्यामुळं कुणीही आपल्याला अनुदान देणार नाही, कुणीही आपल्याला निधी देणार नाही, म्हणून आपल्या कार्यकर्त्यांच्याच बळावर आपल्याला ही संघटना पुढे न्यायची आहे। समाजामध्ये दानशूर लोकांच्या बळावर, आर्थिक बळावर ही आपल्याला संघटना पुढे न्यायची आहे, आणि त्या दृष्टीनं त्या कार्यकर्त्यांना ही शिवतेची किंमत नाही हे सगळ्या कार्यकर्त्यांनी लक्षात घ्यायचं आहे। 250 रुपये जे आपण भरणार आहे ते आपल्या व्यसनमुक्तीच्या कार्याला
पुढे डबल होते पाठीमागना खाली बसा हे दीपक हो दीपक काय खाली बसले हे बंद करा ती बंद करा बंद करा तुम्ही के लिए थोड़ा उनको योग प्राणायाम सिखाइए बोझा तो लेके जाता है लेकिन उसका अपना मेंटल डेवलपमेंट बंद हो जाता है। तो जो बच्चे ज्यादा होमवर्क करते हैं, क्लास का भी होमवर्क है, ट्यूशन का भी होमवर्क है, फिर आई बाबा का भी होमवर्क है, उनका जिंदगी नरक हो जाती है। और इतना होमवर्क कर करके वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो होमवर्क में उनको सिखाया जा रहा है वो जीवन में काम नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि स्कूल ऐसा हो, शाला ऐसी हो जहाँ होमवर्क ना मिले। और अगर ज़्यादा होमवर्क वो दे रहे हैं तो शाला के जो टीचर हैं उनको आप ये शिकायत करिए कि हमको जाते होमवर्क नहीं होना, तो वो कहेंगे अपने बच्चे को निकाल लो, तो निकाल लेने का, और वो जो नगर परिषद का स्कूल है ना उसमें भर्ती करने का, जिला परिषद के स्कूल में भर्ती करने का। फिर आप कहेंगे वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती, कुछ कम पढ़ाई होती है लेकिन वहाँ के बच्चे ब्रेन से बहुत तेज होते हैं। मैं आपको भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की माहिती देता हूँ। वो जिला परिषद के स्कूल में पढ़े, स्कूल गांव का था तो ग्राम पंचायत के स्कूल में पढ़े, बाद में जिला परिषद के स्कूल में पढ़े, फिर नगर परिषद के स्कूल में पढ़े, कोई कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़े, और वो भारत के इस समय सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं। मेरा आपको ये बताने का है कि पढ़ाई से वैज्ञानिक होने का कोई संबंध नहीं है, वैज्ञानिक होने का संबंध माइंड से है। आपका माइंड कितना फ्री है, जो चिंतन कर सकता है, थिंकिंग कर सकता है, उस पर से साइंटिस्ट होना होता है। ज़्यादा पढ़ाई करके, बहुत होमवर्क करके कोई साइंटिस्ट दुनिया में कभी नहीं हुआ। आइंस्टाइन का नाम सुना आपने, न्यूटन का नाम सुना, ये सब स्कूल छोड़कर भागे हुए थे। मालूम है आइंस्टाइन कक्षा 9 में भाग गया शाला छोड़ के, क्योंकि होमवर्क कराते थे और वो होमवर्क उसमें उसको रस नहीं आता था। न्यूटन भाग गया शाला छोड़ के कक्षा 8 में और इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। आइंस्टाइन इतना बड़ा साइंटिस्ट था, मैक्स प्लैंक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कक्षा 7 से ही स्कूल छोड़ के भाग गया था। तो ये स्कूल छोड़कर भागे हुए बच्चे बड़े साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि वो फ्री थिंक कर सकते हैं, स्वतंत्र चिंतन उनका होता है। स्कूल में तो इतना रद्दी है सब कुछ कि वो ना पढ़ने का दिल करता है, वो पढ़ाते कैसे हैं मुझे तो हैरानी ये होती, सब बकवास 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 उसमें पढ़ाते रहते हैं। उनको माहिती है टीचर को कि ये काम नहीं आएगा, फिर भी वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन्हें पगार मिल रहा है और उनका टाइम पास हो रहा है। बच्चों का क्या हो रहा है इसका किसी को कुछ मतलब नहीं। आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात का, थोड़ा बच्चा स्वतंत्र सोचने के लिए तैयार हो, खेले कूदे दौड़े भागे ये सब करे और फ्री माइंड हो उसका, ऐसी शाला में उसको भर्ती कराए। वो शाला मराठी माध्यम की है तो बहुत अच्छा, अंग्रेजी माध्यम में कभी भर्ती मत करे, क्योंकि बचपन से अंग्रेजी माध्यम का इतना त्रास होता है बच्चे पर कि वो अपनी जिंदगी में सबसे जास्ती समय बर्बाद करता है ट्रांसलेशन में। आपके घर में मराठी है, घर में घर के बाहर मराठी है, सब जगह मराठी है, शाला में अंग्रेजी है, तो वो अंग्रेजी कैसे सीखेगा, मराठी के माध्यम से सीखेगा। तो हर बार अंग्रेजी से मराठी भाषांतर करेगा, मराठी से अंग्रेजी भाषांतर, इसी में जिंदगी का सारा समय निकलने वाला है। तो 5वीं कक्षा तक तो मराठी भाषा ही सिखाई, जब उसकी वय 10-12 वर्ष से ऊपर हो जाए तब अंग्रेजी भाषा सिखाने का थोड़ा सा प्रयास करिए, वो भी माध्यम के रूप में नहीं भाषा के रूप में। अंग्रेजी माध्यम तो कभी अच्छा नहीं है, भाषा के रूप में अंग्रेजी सिखाइए उतना चलेगा। इस स्पर्धा में कभी मत लाइए अपने बच्चों को, और अपने बच्चों से किसी का कॉम्पिटिशन मत कराइए। जैसे कई बार आप बच्चों को बात करते हैं ना तो किसी का उदाहरण देते हैं, देखो उसका 90% अंक आता है, 90%, तुम्हारा 70% आता है, ये बात कभी भी उसके सामने मत करें। क्यों नहीं करें, हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक है,
विशेष है, जिसका 90% मार्क्स आता है ना, उसकी जिंदगी की दूसरी बहुत सारी बातें हैं जो नहीं मालूम है, और आपके बच्चे को जिसको 50% आता है उसको मालूम है। जैसे आपका बच्चा है उसको ज्ञानेश्वरी माहिती है, लेकिन जो 90% वाला उसको माहिती नहीं ज्ञानेश्वरी क्या है, तो उसकी कुछ विशेषताएं हैं। इसलिए दो बच्चों का आपस में कभी भी कंपैरिजन मत करिए, तुलना मत करिए, और एक दूसरे बच्चों को इससे प्रेरित मत करिए उसका इतना आता है तो तुम्हारा आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। उसका जितना आता है उतना ठीक है, आप कभी भी उसको ऐसे करके मत टोकिए कि उसका इतना आया तुम्हारा इतना कम आया, वो तो इतना नंबर लाया तुम्हारा इतना कम, कभी मत करिए। स्पर्धात्मक को उसमें भाग उनको लेने दीजिए, लेकिन इस दृष्टि से लेने दीजिए कि वो खेलकूद है, ये नहीं कि उसमें उसको मेडल मिले या उसको ट्रॉफी मिले, मिले तो ठीक है, नहीं तो उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। जी हाँ, देखिए योग्य मार्ग आपको खुद भी नहीं मालूम है, मैं आपको सच बताता हूँ। आई बाबा जो अपने को सोचते हैं ना कि हम बोलते हैं वो योग्य मार्ग है, आपका मार्ग योग्य इसलिए नहीं है कि आपके ऊपर समाज का दबाव है। समाज का ये दबाव है, समाज ऐसा सोचता है आजकल कि या तो सबको डॉक्टर होना चाहिए, या तो इंजीनियर होना चाहिए, या तो MBA करके किसी को मैनेजर होना चाहिए, या तो ये होना चाहिए। इसके अलावा भी समाज में बहुत कुछ है, शेतकरी क्यों नहीं होना चाहिए, उसको कष्टकरी क्यों नहीं होना चाहिए। तो हम जो सोचते हैं वो समाज के दबाव में सोचते हैं, समाज वो जिसके आसपास हम रहते हैं, तो हमारा भी चिंतन स्वतंत्र नहीं है, वो समाज का दबाव है। अब वही दबाव बच्चे पर आप लाएंगे तो वो खुद जो होना चाहता है वो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, सबका फ्यूचर भगवान ने तय किया हुआ, मैं आपको बोलता हूं सबका फ्यूचर भगवान ने तय किया है। मेरी आई से जाके पूछे, मेरी आई ने मुझको इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा अभ्यास कराया, अभी मैं वो सब छोड़कर ये काम करता हूँ, तो मेरी आई कहती है कि तेरे नसीब में यही था। तो मैंने उसको बोला फालतू इंजीनियरिंग क्यों कराया, हाँ 15 लाख रुपए खर्च हो गया और मेरा 15 साल बर्बाद हो गया, मैं 15 साल वो बर्बाद नहीं करता और मान लो भजन कीर्तन करता, मान लो तात्या जी के पास आ जाता, मैं भी कुछ सीख लेता, 15 साल में तो 15,000 सभाएं होती कि नहीं, और 1 लाख कार्यकर्ता होते। तो सबका नसीब, सबका भविष्य भगवान का तय किया हुआ है और उसके आगे कोई चल नहीं सकता। तो आप ये चिंता मत करिए, आप सिर्फ इतनी चिंता करिए कि आप आई वडिल होते हुए उसको ज्यादा से ज्यादा क्या सुविधा दे सकते हैं, जैसे उसको भूखा नहीं रहना, उसको बिना पंखे के नहीं रहना, उसको तकलीफ होती है तो उसके लिए कूलर अगर चाहिए तो व्यवस्था किया, पंखा चाहिए तो व्यवस्था किया, उसको कुछ पुस्तक का आवश्यकता है तो व्यवस्था किया, उसको खेलने को बैट बॉल चाहिए तो आपने, ये सुविधाएं उसको चाहिए उस पर आप आई बाबा बात करिए। उसको करना क्या है उससे पूछिए, थोड़े दिन में वो खुद ही बताएगा मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना, मुझे ऐसा करना। अभी आपके दबाव में वो अपनी इच्छा दबा के बैठा है, वो कहता आई बोलती है डॉक्टर होना तो वो भी कहेगा हाँ हाँ डॉक्टर होना, बाबा कहते हैं इंजीनियर होना, हाँ ठीक है इंजीनियर होना, थोड़े दिन में वो कहेगा ना मुझे डॉक्टर होना ना इंजीनियर होना, मुझे कुछ और होना, मुझे क्या होना, गो पालक होना, गाय का पालन करने वाला होना, तो होना है उसको। तो इसमें आप शक मत करिए, मन में चिंता भी मत करिए, आप सिर्फ सुविधाएं दीजिए उसको, होमवर्क मत करें, क्योंकि मैंने होमवर्क बहुत किया और मैं गधा हो गया, सच में गधा हो गया, इतना होमवर्क किया मैंने, x+y होल स्क्वायर x-y होल स्क्वायर x+y होल क्यूब x-y होल क्यूब, मेरे जिंदगी में आज तक कभी भी काम नहीं आया। सेल्फ स्टडी के लिए आप कैसे अभ्यास कराएं, जैसे समाज चलता है ना, देश या जीवन या समाज, इसकी स्टडी कराइए, कैसे कराएं, मैं आपको एक माहिती देता हूं। उदाहरण के लिए आपके बेटे को एक दिन पोस्ट ऑफिस में लेके जाइए, पोस्ट ऑफिस है वहां लेके जाइए, और पोस्ट ऑफिस में ABCD से लेकर XYZ तक जो कुछ होता है उसकी स्टडी कराइए। पोस्ट ऑफिस है, एक दिन उसको रेलवे स्टेशन लेके जाइए, रेलवे स्टेशन,
और रेलवे स्टेशन में जो कुछ होता है ABCD से XYZ तक उसकी स्टडी करें, फिर एक बार उसको नगर परिषद में लेके जाइए, फिर एक बार उसको म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल में लेके जाइए, फिर किसी मैटरनिटी होम में लेके जाइए ABCD से लेकर XYZ, फिर किसी दिन उसको गौशाला में लेके जाइए, किसी दिन उसको कोई ऐसी जगह लेके जाइए जहां पर मंद बुद्धि बच्चों की शाला चलती है या जहां पर मेंटली रिटार्डेड बच्चों की, ऐसी जगहों पर ले जाकर स्टडी करें। ये जो स्टडी वो करेगा इसमें से उसके रास्ते खुलेंगे। ये जो क्लास की स्टडी है ना, ये दुनिया की सबसे खराब स्टडी, जो हम पढ़ते हैं वो दुनिया का कोई बच्चा नहीं पढ़ता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी में, ना स्वीडन में, ना स्विट्जरलैंड में, ना डेनमार्क में, ना अमेरिका में। हमको जो पढ़ाया जाता वो कोई नहीं पढ़ता दुनिया में। सर्टिफिकेट के लिए इतना ही पढ़ाइए जितना सर्टिफिकेट मिलने के लिए आवश्यक है, इससे ज्यादा नहीं, उतना ही पढ़ाइए। ज्यादा ज्ञान उसको दीजिए, वो समाज का दीजिए, परिवार का दीजिए, दुनिया का ज्ञान दीजिए, वो ज्ञान उसके जीवन में जरूर काम आएगा और उसमें से उसके रास्ते भी निकल आएंगे। सर्टिफिकेट की एजुकेशन बिल्कुल बेकार की है, उस नॉलेज कुछ भी नहीं। समाज मान्यता उतनी ही है जब तक आपके बेटे में ज्ञान नहीं है। मैं आपको एक माहिती देता हूं, हिंदुस्तान में जिन लोगों को ज्ञान हो जाता है उनकी डिग्री कोई नहीं पूछता। जैसे मैं आपको नाम लेके कहूं, संत ज्ञानेश्वर की डिग्री आपने पूछी? आपके घर में संत ज्ञानेश्वर की फोटो है तो आपने क्यों लगाई? डिग्री माहिती है आपको उनकी, फिर फोटो क्यों लगाई? उनको तो कोई डिग्री नहीं। समर्थ गुरु रामदास की डिग्री पूछी आपने? छत्रपति शिवाजी महाराज की डिग्री पूछी? संभाजी महाराज की डिग्री पूछी? टुकड़ोजी महाराज की डिग्री? किसी की डिग्री हम नहीं पूछते, क्योंकि हम उनके ज्ञान को पूछते। जब ज्ञान की पूजा होती है तो डिग्री बेकार हो जाती है। डिग्री तब तक पूजी जाती है जब तक किसी का ज्ञान आपको पता नहीं। किसी सामने वाले आदमी के बारे में जब आपका परिचय कराया जाता है कि ये व्यक्ति है, मान लीजिए XYZ उसका नाम है और ये IIT से MTech किया हुआ है, तो तब तक के लिए महत्वता है जब तक आपको उसके ज्ञान की माहिती नहीं है। जैसे ही आपको उसके ज्ञान की माहिती हो जाती है वो डिग्री उसके लिए बेकार हो जाती है। दुनिया में किसी की भी पूजा हुई है, समाज ने किसी को भी महान बनाया है बिना डिग्री के भी। आपको और एक माहिती दूं, इंदिरा गांधी की डिग्री माहिती है? किसी को माहिती है? आप में से किसी को माहिती है इंदिरा गांधी की डिग्री क्या थी? 8वीं कक्षा में फेल इंदिरा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर के स्कूल में पहुंची थी, गुरुकुल में, 8वीं में 2 बार फेल हुई और वो भारत की 17 वर्ष पंत प्रधान रही। 17 वर्ष। अगर डिग्री से देखा जाए तो इंदिरा गांधी इस शाला में क्लर्क नहीं हो सकती, सिपाही नहीं हो सकती। ये जिस शाला में आप बैठे हैं ना, यहां सिपाही होने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12वीं पास है। इंदिरा गांधी 8वीं फेल थी और 17 वर्ष इस देश की राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री, पंत प्रधान। इंदिरा गांधी की कोई डिग्री नहीं पूछता, उसने जो किया उसको सब पूछते हैं। दुनिया में अगर आप अपने बच्चे को महान देखना चाहते हैं जिसको सब पूछे, तो उसकी डिग्री पर चिंता मत करिए, उसके ज्ञान की चिंता करिए। ज्ञान हमेशा डिग्री से बड़ा होता है। डिग्री कोई महत्व की नहीं है जब ज्ञान बड़ा होता है। ये सारी दुनिया में होता है। अभी भी है ऐसा, अभी भी है। मैं आपको पूछता हूं, धीरू भाई अंबानी का नाम जानते हैं? उसकी डिग्री क्या थी? धीरू भाई अंबानी की डिग्री 9वीं फेल, कक्षा 9 में फेल हुआ, उसके बाबा ने स्कूल से निकाल लिया और कहा ये पढ़ेगा नहीं। तो उसको पूछा तू क्या करेगा? तो उसने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। तो क्या करेगा? तो उसने कहा मुझे नौकरी करने की है। तो ठीक है, तो उसके बाबा के एक दोस्त के पेट्रोल पंप पे उसको नौकरी के लिए रखा धीरू भाई अंबानी को।
तो पेट्रोल भरता था वो गाड़ियों में। एक शहर है गुजरात में जूनागढ़, वहां पे पेट्रोल भरता था, और वो पेट्रोल भरने वाला आदमी आज हिंदुस्तान में 3 लाख कोटी रुपए के एम्पायर का मालिक, जो 9वीं फेल, और उस धीरू भाई के नीचे काम करने वाले बड़े बड़े पीएचडी, एमपेक, एमबीए लोग हैं। वो अंगूठा छाप था, उसके नीचे सब पीएचडी करने वाले काम करते हैं नौकर के रूप में। घनश्याम दास बिरला का नाम जानते हैं, बिरला एम्पायर, 4वीं फेल से 4 क्लास में फेल हो गए, स्कूल छोड़ दिया, बिजनेस में लग गए, और आज उनका पूरा साम्राज्य 2 लाख कोटी का, बिरला ग्रुप। ऐसे ही आपने उनका नाम सुना, जमशेद जी टाटा, ये अपने सचिन भाई काम करते हैं इंडिका में, इनके मालिक जमशेद जी टाटा एक भी क्लास पढ़ने नहीं गए, स्कूल ही नहीं गए, उनको घर में एक टीचर पढ़ा के गया, स्कूल नहीं गए, और आज उनका एम्पायर है हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर का सबसे बड़ा एम्पायर, 5 लाख 5.5 लाख कोटि का उनका टर्नओवर। तो दुनिया में डिग्री लेकर पढ़कर कोई बहुत महान हुआ है, ऐसे कहानी आप सुनाएंगे तो 2-4 है, बिना डिग्री लेके इतने ऊंचे हो गए वो सैकड़ों। पुणे में आप जाइए, किर्लोस्कर कंपनी है ना, इसके मालिक की माहिती ले लीजिए, किर्लोस्कर कंपनी का जो मूल स्थापक है वो 5वीं पास है। तो ज्ञान की दुनिया में चर्चा है, और ज्ञान से आपने जो हासिल किया उसकी चर्चा है, डिग्री का कोई महत्व कभी भी किसी समाज में रहा नहीं। डिग्री का महत्व है सिपाही होने के लिए, क्लर्क होने के लिए। कारकुन, एक शब्द जानते, कारकुन मराठी का शब्द है, डिग्री चाहिए कारकुन होने के लिए। तो कारकुन बनाना है अपने बच्चे को तो डिग्री पे ध्यान दीजिए, और उसको साइंटिस्ट बनाना है या समाज में ऐसा स्थान दिलाना है जिसकी सब इज्जत करें तो ज्ञान पर महत्व दीजिए। प्रश्न पत्र 2 घंटे में करके निकल आई, इतनी ट्रिक्स है, यही ट्रिक्स है जो वो 10 साल में सीखेंगे, मैं उनको 1 महीने में सिखा दूंगा। मेरा ये कहना है कि उनका 10 साल बचाना, क्यों फालतू में बर्बाद करना 10 साल, वो 10 साल में तो ज्ञानेश्वरी पढ़ लेंगे, वो 10 साल में तो दासबोध पढ़ लेंगे, वो 10 साल में तो ऋग्वेद पढ़ डालेंगे, क्योंकि ऋग्वेद पढ़ने में 4 ही साल लगता, और 10 साल में तो ऋग्वेद, अथर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद चारों पढ़ डालेंगे, उपनिषद 18 पढ़ डालेंगे 10 साल में, तो इतना ज्ञान हो जाएगा। ये CBSE तो कुछ भी नहीं उनके लिए, ICSE कुछ भी नहीं, महाराष्ट्र बोर्ड तो कुछ भी नहीं। तो मेरा ये है प्लानिंग कि करवड़ी का गुरुकुल शुरू हुआ तो इसके विद्यार्थियों को 10वीं की परीक्षा दे के, 12वीं की परीक्षा दे के, बस 2 परीक्षा दिलवा के बाकी 12 साल उनको ज्ञान सिखाना। तो कभी जरूरत पड़े तो सर्टिफिकेट है, बाकी तो ज्ञान है ही अपने पास, और सर्टिफिकेट कौन सा देखा जाता है, 10वीं का ही ना, 12वीं का, 8वीं का कोई देखता है, 7वीं का कोई देखता है, 6वीं का कोई देखता है, तो काय को मगजमारी करना जब कोई देखता ही नहीं, टाइम क्यों वेस्ट कर। मेरा ये कहना है कि मैंने जिंदगी में जितना समय बर्बाद किया दूसरे बच्चों का नहीं होना चाहिए, मेरे 15 साल बर्बाद हुए हैं, इसकी मुझे बहुत कसक है, क्योंकि अभी मैं जो काम करता हूं ये तो मैंने वो सीखा है जो डिग्री वालों ने नहीं सिखाया, ये चिकित्सा तो मुझे डिग्री वालों ने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय करके सीखी, खेती मुझे उन्होंने नहीं सिखाई, मैंने स्वाध्याय से सीखी, तो जो स्वाध्याय से सीखा वो काम आ रहा है, डिग्री वाला तो कभी काम नहीं आया मेरे, तो उनके भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए मैं जो अभ्यासक्रम बना रहा हूँ उसमें 10वीं और 12वीं की 2 परीक्षाएं देने का, बाकी 11 साल जो है आप उसको जहां इच्छा हो शाला में भर्ती कराओ, और वो बोलती है शाला अच्छी नहीं तो बाहर निकालो, फिर उसको करवड़ी भेज दो। गुरुकुल अभी शायद अगले साल से शुरू हो जाएगा, थोड़ा उसकी बिल्डिंग बनवा दो भाई लोगों, जिंदगी का थोड़ा पैसा निकालो, सब लोग 10-10% पैसा निकाल के करवड़ी का गुरुकुल बना दो, बोलो। हाँ, बहुत अच्छा, अभी देखो चर्चा हो गई है, तो यही साल से शुरू हो जाएगा, अगर यही साल से शुरू हुआ
तो ज्ञानेश्वरी को वहां भेज सकते हैं। और मैं ये भी कर दूंगा कि जो अभ्यासक्रम वहां के लिए है वो आपको भी पर्सनली भी दे सकता हूं, आप अपने घर में भी वो अभ्यासक्रम चालू करके घर में भी पढ़ा सकते हैं। जो गुरुकुल में पढ़ाएंगे वो घर में भी हो सकता है। तो घर में आप उसको कुछ ऐसा ज्ञान सिखाओ जिसमें उसका रस है। शाला में शायद उसको रस नहीं होगा, क्योंकि शाला में कुछ ज्ञान सिखाते ही नहीं है, फालतू बातें बहुत सिखाते हैं शाला में, ज्ञान तो कुछ है नहीं। तो ज्ञान तो दूसरी जगह है। जैसे संगीत का अभ्यास कराओ उसको, संगीत का सभी लोगों को करना चाहिए, चाहे तो गायन, चाहे तो वादन, चाहे तो नृत्य, तीनों में से कोई भी एक संगीत का अभ्यास कराओ। पेंटिंग का अभ्यास कराओ, चित्रकला का, मूर्ति कला का, चित्रकला का, काष्ठकला का, ऐसे अभ्यास उसको आप कराना शुरू कर दो, वही उसकी सबसे बड़ी पढ़ाई है। और थोड़ा ज्ञानेश्वरी वगैरह उसके सूत्र सिखाओ, दास बोध के सूत्र सिखाओ, और बाद में वो सिलेबस आ जाएगा उसको आप पढ़ाओ। मैंने ये प्रयोग कर लिया है, तब मैं बोल रहा हूं, हमने एक स्कूल चलाया है उत्तर प्रदेश में, अब तो उत्तर प्रदेश नहीं है, एक नया राज्य बन गया उत्तराखंड, वहां पे एक शहर है मसूरी, वहां पे हमने एक स्कूल चलाया, गुरुकुल है, वो सभी फेल बच्चों के लिए चलता है, पास बच्चे वहां नहीं लेते हैं, जो फेल हो जाते हैं ना उनकी भर्ती करते हैं, सातवीं फेल, आठवीं फेल, और जो दो बार फेल है उसको सबसे पहले लेके, हाँ हमारा नियम है वहां का। वो स्कूल चलाने के लिए मेरे एक दोस्त हैं, वो और उसकी पत्नी दोनों मिलके चलाते हैं, उसका नाम है संदीपनी गुरुकुल। संदीपनी आप जानते हैं, कृष्ण भगवान के मित्र संदीपनी, उनके नाम से वो गुरुकुल है। तो वहां पर हम बच्चों को पढ़ाई करते हैं। कैसे पढ़ाई करते हैं, वहां पर कोई कमरा नहीं है, खोली नहीं है, और गुरुकुल है, बिना खोली के गुरुकुल कैसे, तो झाड़ के नीचे क्लास लगती है। और क्लास कैसे लगती है, मान लो एक दिन हम पढ़ाई शुरू करते हैं पानी के बारे में, पढ़ाई करना पानी, तो पानी का ABCD से लेकर और XYZ तक उनको पढ़ाते, पानी क्या है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है, पीने के लिए कैसे वापरना, नहाने के लिए, सब 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 माहिती उनको देते हैं। फिर जब पूरी माहिती हो जाती है तो एक क्लास खत्म होती है। वो एक क्लास 3 महीने चल सकती है, 4 महीने चल सकती है, 5 महीने चल सकती है। पीरियड्स नहीं होते, 40 मिनट का पीरियड, 45 मिनट, ये नहीं, सवेरे से चालू हुआ, दोपहर तक चला, जब भी भूख लगी क्लास बंद हो गई, भोजन किया, विश्राम किया, फिर उठ गए, फिर क्लास चालू। पीरियड्स नहीं होते, सवेरे जो विषय लिया शाम तक वही चलता है, अगले दिन भी चलता है, 5-7 दिन 10 दिन में विषय जब पूरा होता है तब उन बच्चों की परीक्षा होती है। अब परीक्षा कैसे होती है, तो परीक्षा ऐसे होती है कि उनको होमवर्क दिया जाता है या टास्क दिया जाता है कि भाई पानी के बारे में तुमको जितना भी ज्ञान हुआ है अब इसके आधार पर परीक्षा होगी आपको। तो परीक्षा में ऐसे ही उनको काम दिया जाता है, जैसे किसी गाँव का तालाब है, अब उस तालाब के पानी की समस्या है, पानी वहां पे रुकता नहीं है या बहुत ज्यादा हो जाता है, पानी किसे बाढ़ आ जाती है या बारिश नहीं होती है, तो ये समस्या लेकर आपको समाधान करना, पानी के बारे में उनको सब माहिती है। तब वो गांव में जाते हैं, गांव के शेतकरी के साथ बात करते हैं, तालाब की क्या समस्या है उस पर बात करके तालाब को ठीक करते हैं, ठीक करके गुरुकुल में वापस आते हैं, तब उनको माना जाता है कि ये पास हो गए। और नहीं कर पाए समस्या का समाधान तो फिर दोबारा उनको दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, फिर वही समस्या उनको दी जाएगी, फिर उसका समाधान नहीं करेंगे तो तीसरे गांव में, ऐसे चलता रहे। फिर एक विषय पूरा हुआ पानी का, अब दूसरा विषय आ जाएगा, वो विषय किसका आएगा, खेती का आ गया या मिट्टी का आ गया, ऐसे विषय होते हैं। और जब वो विद्यार्थी पढ़कर निकलते हैं तो वो सबसे पहली बात होती है कि घर में ही जाते, वो बोलते हैं हमको घर में ही जाने का, क्यों नहीं जाने का, वो कहते घर में मजा नहीं आता, क्यों मजा नहीं आता, आई बाबा दबाव डालते हैं, ऐसा करना वैसा नहीं करना, ऐसा करना वैसा नहीं करना, गुरुकुल में उनको कोई दबाव नहीं, जो उनके दिल में आए वो करना, तो घर नहीं जाते। फिर आई बाबा परेशान होते हैं कि आपने तो बच्चों को बिगाड़ दिया, ये तो हमसे दूर भाग गए, तो हमने कहा आप सोचो ये आपसे दूर क्यों भाग रहे हैं, आपने इनको पैदा किया, हमने पैदा नहीं किया, फिर ये आपके पास क्यों नहीं आना चाहते और हमारे पास क्यों रहना चाहते हैं,
तो उसका एक ही कारण है कि हम उनको अपमान नहीं करते, हमेशा सम्मान करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको ज्ञान मिले, दबाव नहीं डालते कुछ भी। तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी जब पढ़ के तैयार होते हैं ना, तो आप उनसे पानी के बारे में कोई भी एक सवाल पूछो, दुनिया के किसी प्रोफेसर को उसका जवाब नहीं मालूम, वो जानते, क्योंकि पानी के बारे में सब माहिती उनको है। अब पानी के बारे में माहिती है तो पानी की समस्या जब भी देश में आएगी उसका समाधान वो करेंगे। ऐसे ही हम उनको जंगल में लेके जाते हैं तो जंगल में उनको अभ्यास दिया जाता है, देखो झाड़ है, हाँ है, ये झाड़ देखो कौन सा है, ये झाड़ ऐसा, ये झाड़ ऐसा, फिर इसको देखो पक्षी कौन सा बैठा हुआ है, ये पक्षी इस झाड़ पर, वो पक्षी इस झाड़ पर, फिर पक्षियों का अभ्यास कराते हैं उनको, कौन सा पक्षी किस झाड़ पर बैठता है, इसी पर क्यों बैठता है, दूसरे पे क्यों नहीं जाता, वो पक्षी कब सुबह निकलता है, कब शाम को वापस आता है, संपूर्ण माहिती उनको हो जाती है। फिर किसी जूलॉजी के प्रोफेसर को हम बुलाते हैं बच्चों के बीच में, फिर उसको प्रश्न करते हैं और बच्चों को प्रश्न करते हैं, प्रोफेसर जवाब नहीं देता, बच्चे जवाब देते, प्रोफेसर जवाब देने के लिए किताब ढूंढता है और बच्चे फट 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 मुंह से बोलते हैं, तो वो कहता है कि ये तो मेरे भी गुरु हैं, वो भाग जाता है प्रोफेसर, क्योंकि उसको पुस्तक का नॉलेज है, इनको जिंदगी के सामने से आया हुआ नॉलेज। ऐसा अभ्यास। अब ये अभ्यास करने के बाद ये बच्चे पता है क्या करते हैं, ये जैसे ही निकलते हैं हर जगह इनको बुला लेते हैं सरकार के लोग। आपको सुन के ताज्जुब होगा, ये हमारा स्कूल 10 साल से चलता है, 10 साल में लगभग 1340 बच्चे वहां से निकले पढ़कर, एक भी बेरोजगार नहीं है इसका, एक भी बेरोजगार नहीं, सबके पास कम से कम 10 से 15 हजार रुपए मासिक की पगार वाली नौकरियां हैं, डिग्री किसी के पास नहीं। तो आप बोलेंगे नौकरियां कहां मिली हुई हैं, हर्बेरियम में नौकरियां हैं, म्यूजियम में उनको नौकरियां हैं, जहां पर जीवित हर्बेरियम और म्यूजियम होते हैं वहां पर उनको नौकरियां हैं, क्योंकि नॉलेज उनके पास है। और दुनिया में बहुत सारी नौकरियां नॉलेज बेस्ड हैं, डिग्री से उनका कोई संबंध नहीं। बहुत सारे इंजीनियरिंग किए हुए लड़के जब इनके प्लांट में आते हैं ना टाटा इंडिका में, तो उनको नीचे वाले सिखाते हैं पूछो, क्योंकि इनको ज्यादा माहिती है, जो आईटीआई पास है, डिप्लोमा पास है, और वो इंजीनियरिंग वाले उनको कुछ आता नहीं, असेंबली लाइन पर खड़ा कर दो तो गुड़ का गोबर कर देंगे, वो कार बनानी है उसको खड्डे में ही डाल देंगे, उनको अलग से सिखाना पड़ता है। क्यों सिखाना पड़ता है, डिग्री तो है, नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज के लिए काम सिखाना पड़ता है, तब जाके वो काम करते। तो जब नॉलेज देना ही पड़ता है तो शुरू से क्यों नहीं दे, बाद में देना है इतना टाइम वेस्ट करके। तो अपने को एक ऐसी शिक्षा पद्धति लानी है जो ज्ञान आधारित है, डिग्री आधारित नहीं, ज्ञान पहले है डिग्री बाद में, मिले डिग्री तो ठीक, नहीं तो ज्ञान तो है अपने पास। हाँ है, अभी बनवा लिया, ऐसा नियम बन गया है कि सीधे 10वीं की परीक्षा देना, बीच में कोई परीक्षा देने की गरज ही नहीं। नहीं, उनको 6 महीने में करा देंगे उतना अभ्यास, मुझे मालूम है प्रश्न क्या आने वाले हैं, वो तो मुझे मालूम है, अक्षर बंधन है, लेकिन अक्षर बंधन में क्या है ना, हर साल परीक्षा दिलवाते हैं और वो वही परीक्षा है जो सरकार वाली है, हाँ फिर 8वीं 9वीं 10वीं में कर, लेकिन हमने तो वो भी नहीं किया है। और अक्षर बंधन में कोशिश वो करते हैं लेकिन हम तो बिना खोली के ही पढ़ाते, खोली है ही नहीं हमारे गुरुकुल में, खोली है ही नहीं, बस ऐसे झाड़ हैं उनके नीचे सब पढ़ाई होती है, क्योंकि खोली में पढ़ाई जो है ना वो बहुत बकवास है। खोली में पढ़ाई कैसी होती है, बेंच है सभी उस पर बैठेंगे, ठीक है, अभी क्यों बैठना बेंच पे हमको माहिती नहीं, बच्चों को हम बिठाते, बच्चों को बैठने का अभ्यास नहीं होता, अगर आप उनको जबरदस्ती बिठाएंगे ना तो 10-20 मिनट में वो बोर हो जाएंगे, वो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे देखेंगे वैसे, क्योंकि उनको ये अभ्यास नहीं है बैठने का। और आपने बार बार के बैठने डिसिप्लिन अनुशासन बैठ बैठ बैठ, तो बेचारा जो कूदने वाला आदमी है, भागने वाला आदमी है, उसको 6 तास पकड़ के बिठा दिया आपने, गोबर गणेश अब क्या करेगा वो,
अरे टीचर आ रहा, चुप, एक भी टीचर घुसेगा, चुप। अरे चुप क्यों रहना उसको भाई, वो तो बोलने के लिए पैदा हुआ है, चुप होने के लिए नहीं है। एक भी टीचर घुसेगा, चुप, कीप साइलेंट, चुप रहो, बात मत करो, आपस में बात मत करो। वो बात नहीं करेगा तो उसकी मैत्री नहीं होने वाली एक दूसरे से। तो हम ऐसे मूर्ख लोग हैं जो उनको उल्टी उल्टी बातें सिखाते हैं। और दुनिया के सबसे मूर्ख हैं टीचर जो उनको सिखाने के लिए जाते हैं, खुद को कुछ माहिती नहीं है, बच्चों को जबरदस्ती हो सब करा। अभी देखिए एक और समस्या है, बेंच है ना, बेंच या क्लासरूम, तो वो कैसा है? ऐसे एक लाइन है, ऐसे एक लाइन है, माने वर्गाकार है या तो आयताकार है, रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल है या तो स्क्वायर है, इसमें सभी स्ट्रेट लाइन है ना, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन है। जिंदगी में क्लासरूम को छोड़कर कहीं भी स्ट्रेट लाइन होती नहीं, पूरे जीवन में नहीं है, कहीं बता दो मुझे। झाड़ स्ट्रेट लाइन है, पहाड़ स्ट्रेट लाइन है, नदी स्ट्रेट लाइन है, विहीर स्ट्रेट लाइन है, कैनाल स्ट्रेट लाइन है, कुछ भी स्ट्रेट लाइन नहीं है जीवन में, तो आप क्यों जबरदस्ती उसको स्ट्रेट लाइन में फंसा रहे? अच्छा मैं एक और माहिती देता हूं, हमारे शहरों में बड़े बड़े फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, सब स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं? अच्छा, गांव में कौन सी चीज स्ट्रेट लाइन में? गांव की गली ऐसे ऐसे है ना, है कि नहीं? और मैं आपको माहिती देता हूं कि जो लोग स्ट्रेट लाइन वाले अपार्टमेंट में रहते हैं उनमें कभी भी प्रेम और भाईचारा हो नहीं सकता। और जो ऐसी ऐसी गलियों में रहते हैं वो सभी प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। गांव में एक मीटिंग बुलानी है, सब लोग आ जाएंगे आधा घंटे में, शहर में बुला के देखो, और वो भी किसी अपार्टमेंट में बुला के देखो, कोई नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती है, हमेशा काटेगी ही। इसलिए स्ट्रेट लाइन में गांव का कोई घर नहीं बनाया जाता। गांव के घर वैसे होते हैं जैसे झाड़ नदी पहाड़ होते हैं। झाड़ टेढ़ा मेढ़ा है, घर भी टेढ़ा मेढ़ा है, नदी टेढ़ी मेढ़ी है, हमारी गांव की गली भी टेढ़ी मेढ़ी है। प्रकृति जैसी है वैसे गांव होते हैं। तो इसलिए गांव में प्रकृति जैसा प्रेम भाईचारा है, और शहर जो स्ट्रेट लाइन है वो प्रकृति के विरुद्ध है। इसलिए दुनिया के हर शहर में मारामारी और काटाकाटी सबसे ज्यादा, और गांव में प्रेम और सद्भाव सबसे ज्यादा। तो हम बच्चे को कहां भेज रहे हैं? क्लासरूम में, वो स्ट्रेट लाइन है, सत्यानाश हो रहा है उसका। और रोज 6 घंटे मार मार के बिठा रहा है, तुम बैठ, बात मत कर, इसको मत दे, उसको मत दे। उसके लिए आपने जेल बना दिया, स्कूल नहीं है, जेल है। और जब छुट्टी होती है ना, कैसे भागते हैं बच्चे, जैसे जेल से छूटे। पूछो ना इन बच्चों को, क्योंकि उनको 6 घंटे त्रासदायक आपने पकड़ के रखा है। बेचारे वो बैठना नहीं चाहते, वो तो खेलना कूदना उछलना सब उनका काम वही है, आपने पकड़ के बिठा लिया, फिर 6 घंटे बाद टन 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 घंटी ऐसा तेज भागेंगे जैसे जेल में से भागेंगे। और किसी भी बच्चे के दिल को पूछो, कल शाला जाने का है? नहीं जाने का। क्यों नहीं जाने का? त्रास है उसको, मानसिक त्रास है। आप घर में देखो, बच्चे स्वतंत्र हैं, खेल कूद करते हैं, इधर उधर भागते हैं, सो जाते हैं, खा लेते पी लेते। ऐसी ही शाला होनी चाहिए जैसा घर है, तब तो वो जाएंगे, नहीं तो थोड़े दिन के बाद बोर होके वापस आएंगे। फिर आप बोलेंगे कि जो बोर नहीं हुआ वो इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बेचारा चुपचाप क्लासरूम में बैठ गया, टीचर ने जैसा कहा उसने लिख लिया। आप कहेंगे बड़ा अनुशासन वाला है, बहुत होशियार है, सत्यानाश उसका हो गया दिमाग का, आप कह रहे हैं बड़ा होशियार है। बच्चों का स्वभाव बिल्कुल वैसा होता है जैसे गाय के बछड़े का, गाय का बछड़ा है ना, आप उसको बांध के रखो कितना त्रास है उसको, और छोड़ के रखो
कितना खुशी से इधर भागेगा उधर भागेगा, फिर अपनी आई के पास वापस आ जाएगा, फिर भाग के जाएगा। फिर ऐसे ही बच्चे होते हैं, वो भागेंगे दौड़ेंगे, फिर आई के पास आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। ये जो उनका विकास है, ये जीवन का सबसे बड़ा काम है। ये स्कूल नहीं दे सकता, ये घर में हो सकता है थोड़ा, नहीं तो गुरुकुल में हो सकता है, ऐसा गुरुकुल जहां डिग्री के लिए नहीं पढ़ाया जाता। तो वैसा गुरुकुल बन जाए, ऐसा मैं इन लोगों से कई साल से बोल रहा हूं। करवड़ी में कर लो, थोड़ी बहुत जगह है, थोड़ी बहुत और ले लो, सब लोग 10-10% अपने पैसे निकालो, क्योंकि ज्यादा पैसे अपने लिए नहीं रखना, हाँ अच्छा नहीं है। देखो, ज्यादा पैसे अपने लिए रखोगे तो पाप होगा और पाप के भागीदार आप सब। अपने लिए कम से कम रखना, समाज के लिए ज्यादा रखना। तो गुरुकुल बना लो, अच्छे से बना लो, मैं उसमें टीचर हो जाऊंगा और आपको टीचर बनाऊंगा, फिर आप बच्चों को पढ़ाएंगे, फिर एक गुरुकुल से दो, दो से पांच, पांच से दस, ऐसे पूरे महाराष्ट्र में खोल देंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूं, सब स्कूल बंद हो जाएंगे। हमारे गुरुकुल अगर शुरू हो गए तो सब शाला बंद हो जाएगी, क्योंकि बच्चे सब भागकर यहीं आएंगे। वो अपने आई बाबा को कहेंगे वहां जाने का, क्योंकि वहां ज्यादा अच्छी पढ़ाई है। पढ़ाई माने सीखना, ज्ञान लेना, और उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई का माने ये नहीं है ABCD, पढ़ाई का माने ये नहीं है काखा गावा, ये तो अक्षर ज्ञान है, इसका पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। ज्ञान जो जीवन को चलाने के लिए उपयोगी है, वो पढ़ाई का हिस्सा है। तो वैसा एक करें तो सही शिक्षा इनको मिले। ऐसी ही शिक्षा में राम कृष्ण पढ़े थे। राम को पता है गुरुकुल में ही गए, कृष्ण भी गुरुकुल में गए, और कृष्ण और राम के बाद के सारे हिंदुस्तान के महान लोग गुरुकुलों से ही निकले। तो गुरुकुलों से निकले हैं इतने सारे महान लोग, तो आगे फिर निकलेंगे, क्योंकि वहां ज्ञान आधारित पढ़ाई थी, डिग्री आधारित पढ़ाई हमारे देश में कभी रही नहीं। ये अंग्रेजों के यहाँ थी डिग्री आधारित पढ़ाई, वो जब भारत में आए तो उन्होंने वही पढ़ाई यहाँ पे शुरू कर दी। अब वो चले गए, हमने वो आज तक बदली नहीं है, वो वैसे ही चल गए। तो आपके छोटे बच्चे हैं ना, उनको आप ऐसे ही अभ्यास कराइए जैसी मैं माहिती दे रहा हूँ। जबरदस्ती शाला भेज के अभ्यास करा के कुछ लाभ नहीं है। वो कभी कहे शाला नहीं जाने का, तो बोलिए ठीक है नहीं जाने का, घर में रहने का, क्या करना है शाला। उनको प्रोत्साहित करने का, अभी वो शाला नहीं जाएंगे तो आई बाबा मार मार के उनको शाला भेज के आए। क्यों नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा। अरे पास होके क्या करने वाला है, जो फेल होने से आप डर रहे हैं, कभी मत डरिए। मेरा तो ये मानना है जो बच्चे फेल हो गए वो ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनका दिमाग खराब नहीं हुआ अभी। जो हाँ, जिनको 100% नंबर आ गया वो तो बिल्कुल गए, किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो तो x+y² ही पढ़ेंगे, उनको बाकी कुछ आएगा ही नहीं। इसलिए फेल होने से घबराइए मत, ज्यादा पास होने का दबाव डालिए मत, ज्यादा अंक लाने का दबाव डालिए मत, क्योंकि नंबर से डिग्री से दुनिया में कभी भी कुछ हुआ नहीं, आगे भी होगा नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत ज्यादा अभी हो गया। अभी मुझे जो है एक व्याख्यान में जाना है पलटन, अभी 7 बज गया है, ज्यादा देर में अब नहीं रुक सकता, वो दे दूंगा। आप उसे वायु का भी स्पर्श कर सके, आकाश हमेशा दिखे और वायु का स्पर्श होता रहे, मिट्टी पर हम बैठे रहे, तो 3 तत्व हो गए, हो गए कि नहीं। अग्नि की जरूरत होगी तो आ जाएगी। 3 तत्व तो जीवन में हमेशा रहने चाहिए, आकाश, पृथ्वी और पवन, वायु। ये 3 के स्पर्श में रहकर जो पढ़ेगा वो ही सही ज्ञान ले पाए। मिशनरी से भी जास्ती आवश्यक है। कोई कहेगा ज्ञानेश्वरी तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन अभी पोट का दर्द है, ये मिटाओ मेरा पहले, तब ज्ञानेश्वरी पढ़ूंगा मैं। तो माने क्या है, एक्सपर्ट बने तो एक ही विषय तक सीमित हो जाएगा, इसलिए एक्सपर्ट बनाने की कोशिश मत करिए। कोशिश ये करिए कि थोड़ा थोड़ा उसको सभी विषय की माहिती हो, थोड़ी थोड़ी, चिकित्सा की भी हो, ज्ञानेश्वरी की भी हो, धर्म की भी हो, अध्यात्म की भी हो, भारत की हो, विदेश की हो, थोड़ी थोड़ी माहिती, क्योंकि जिंदगी उन सब माहिती से मिलकर ही चलती है। ठीक है, और पंडित की हमेशा जरूरत नहीं होती, लेकिन दूसरे ज्ञान की बहुत जरूरत है।
तो एक्सपर्ट बनाने की कोशिश अपने बच्चों को मत करिए। साधारण ज्ञान जिसको हम कहते हैं जनरल नॉलेज, वो उनको रहे, सभी विषय की रहे, तो वो ज्यादा उपयोगी। मंडन मिश्र उनकी पत्नी थी, तो उन्होंने शंकराचार्य को चुनौती दी और कहा कि आपका ज्ञान मेरे से कम है। तो मंडन मिश्र की पत्नी के मुंह से जब शंकराचार्य ने सुना तो पूछा कैसे कम है, तो उन्होंने कहा आप अभी तक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं किए हैं, मैंने किया, तो मेरे पास आपसे ज्यादा ज्ञान है। आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मैंने किया। मंडन मिश्र की पत्नी कहती है कि मैंने जीवन के 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया विद्यार्थी जीवन में, तो वो जीवन तो मैंने भी बिताया जो आप बिता रहे हैं। मैंने उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, आपने अभी तक नहीं किया। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके जो ज्ञान मुझे मिला वो आपके पास नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, शास्त्रार्थ हो जाए तो हो जाए। तो शास्त्रार्थ जब हुआ तो शंकराचार्य हार गए और वो धर्मपत्नी मंडन मिश्र की जीत गई। तो शंकराचार्य को उन्होंने कहा कि आप जाइए और अपने जीवन को गृहस्थ आश्रम वाला बनाइए, फिर मेरे भरद्वाज, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, ब्रह्मभट्ट, बाघभट्ट, चरक, सुश्रुत सब गृहस्थ आश्रम वाले थे। और कई कई के तो दो दो पत्नियां थी, तीन तीन, दो दो तीन तीन, हाँ, भागवत की तीन पत्नियां, विश्वामित्र की दो, वशिष्ठ की तीन, ये सब तो ऐसे थे। और उन सब ने कहा है कि आपके जीवन में, मैंने इन लोगों को कहा था कई बार, शायद आपको कह रहा हूं, कि हमारे भारतीय शास्त्रों में कहा है कि जिंदगी में पवित्रता लानी हो तो विवाह होते ही आती है। विवाह के पहले पुरुष जो होता है ना लंपट होता है, लंपट शब्द समझते, लंपट, लंपट माने होता है जिधर देखो उधर मुंह मारे, इधर भी देखे उधर भी देखे, ऐसे भी देखे वैसे भी देखे। विवाह के पहले सभी पुरुष ऐसे होते हैं, जब विवाह होता है तो लंपटता कम होती है, लेकिन कई लोगों की तब भी कम नहीं होती है। वो स्कूटर पर बैठते हैं ना, पीछे पत्नी बैठी है तो भी दूसरे की पत्नी को देखेंगे, अपनी पीछे बैठी है ऐसा देखा है ना, कॉमन सड़क पे होता है ना रोज, तो ये है समस्या। और मैंने बताया आपको ये पुरुष है, इसमें बहुत तकलीफें हैं, खराबियां हैं, खामियां हैं। इसलिए मेरा अभी के लोगों को विनती है कि जितने भी तप तपस्या और व्रत है ना वो पुरुषों को करने चाहिए। स्त्रियां करती है ना सोमवार का व्रत, तो मैंने कई बहनों से पूछा क्यों करती है, तो उन्होंने कहा अच्छा पति मिले। मैंने कहा आप पति को करवाइए ये व्रत, पति को करवाइए, आप मत करिए, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है। हमारे यहाँ पत्नियां सब अच्छी हैं और भारतीय में दुनिया की स्त्रियां सब अच्छी हैं, सारी बुराइयां पुरुषों में हैं। और मेरा 15 साल का तजुर्बा है, कोई स्त्री अगर गलत रास्ते पर चल गई है तो उसके पीछे कोई पुरुष ही होगा, वो स्त्री अपने से कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाती। ये जो हम कई बार देखते हैं ना, कोई स्त्री वैश्या हो गई, वो वैश्या अपने घर के किसी पुरुष के कारण हुई होगी, या तो उसका पति होगा, या तो भाई होगा, या पिता होगा, जिसने अपने स्वार्थ में उसको कहीं बेचा होगा या अपने लिए इस्तेमाल किया होगा, तब उसको ब्रह्मचर्य छोड़कर वैश्यावृत्ति पे जाना पड़ा होगा। तो स्त्रियां गलत होती हैं तो किसी पुरुष के कारण होती हैं, और पुरुष अगर सुधरते हैं तो स्त्रियां ही उनको सुधारती हैं। इसलिए आप विवाह करिए। ये सब लोग जो विवाह नहीं किए कौन कौन है, है कोई? नितिन माने ओ नितिन भाई, विवाह जरूर करिए। हाँ, मैं आपको दूसरा भी एक कारण बता रहा हूं, वो कारण है मानसिक त्रास का। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, सबसे बड़ी दुनिया की विडंबना है कि स्त्री तो ब्रह्मचर्य संभाल सकती है, पाल भी सकती है, पुरुष के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है। 100 नहीं, 1000 नहीं, 1,00,000 नहीं, करोड़ों में से कोई एक पुरुष मिलेगा जो ब्रह्मचर्य को संभाल सकता है, सबके बस की बात नहीं होती। फिर बाद में तकलीफ आती है, और बाद में तकलीफ जो आती है फिर इलाज मेरे जैसे लोगों को करना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग विवाह करिए, विवाह के बंधन में बंधिए, और बहुत पवित्र मन से,
बहुत पवित्र भाव से अपनी पत्नी को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने घर की आई ताई सबको ऐसे ही व्यवहार करिए जैसे गुरु के साथ करते हैं, तो आपका गृहस्थ जीवन एकदम सुखी और स्वर्ग होगा। जो पत्नी के साथ आप ऐसा व्यवहार करें जैसा स्कूल के सिपाही के साथ करते हैं तो वही गृहस्थ जीवन नरक होगा। तो आपको तय करना है स्वर्गवासी होना है या नरकवासी होना। स्वर्गवासी होना है तो रास्ता है, नरकवासी होना है तो और भी एक रास्ता है। मैंने तो आपको भारत की माहिती दी, इस देश में सारे महान ऋषि मुनि सबने गृहस्थ आश्रम का पालन किया है। ये ब्रह्मचर्य का हमारे यहाँ जो किस्सा है ना, ये बौद्ध धर्म में से आया। जब से बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ा इस देश पे तब से ये ब्रह्मचर्य की कहानी शुरू हुई, क्योंकि बुद्ध धर्म में ये मान्यता है कि ब्रह्मचर्य होकर आप ज्यादा तेजस्वी और तपस्वी होते हैं। लेकिन आपको सुन के ताज्जुब होगा कि जब बुद्ध धर्म गिरावट पर था तो उनके मठों में सबसे ज्यादा व्यभिचार साधु और सन्यासियों के बीच में होता। इसलिए भारत के लोगों ने मार मार के ये बुद्ध धर्म वालों को भारत से बाहर खदेड़ा, नहीं तो बौद्ध धर्म तो हमारा था, हमको क्यों भगाना पड़ा? क्योंकि मठों में वो सब शुरू हो गया था जो वैश्यालयों में होता है, साधुओं में सन्यासियों के बीच में शुरू हो गया, तब ये बौद्ध धर्म को हटाना पड़ा। सातवीं शताब्दी की हिस्ट्री आप कभी भी पढ़ लीजिए, तो उन्होंने ज्यादा इसका प्रचार किया, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का जो सही मतलब है वो ये है, ब्रह्म की उपासना करते हुए अपनी चर्या को जीना। चर्या माने दिनचर्या, ऋतुचर्या, ब्रह्म की उपासना करते हुए अपनी चर्या को जीना, ये हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य का सूत्र है। इसके साथ संयम जुड़ा हुआ है, तो संयम तो आप पति पत्नी होते हुए भी कर सकते हैं। सारी दुनिया के पुरुष करते हैं, सॉरी सारी दुनिया के जानवर करते हैं क्या संयम करते हैं? हमसे ज्यादा करते। कुत्तों को देख लो, गाय को देख लो, बछड़े को देख लो, भैंस को देख लो, किसी को भी देख लो, सांप को देख लो, मेंढक को देख लो, ये सब के सब ब्रह्मचारी ही हैं। साल में एक या ज्यादा से ज्यादा दो बार ही सहवास करते हैं। ये तो पुरुष है जो हर दिन हर पल उसी के बारे में सोचता है, क्योंकि वो विकृति है, वो संस्कृति नहीं। तो हमें संस्कृति की तरफ जाना है, विकृति की तरफ नहीं जाना। तो मेरा तो सबको सुझाव है कि आप मन से बिल्कुल ये निकाल दो कि आप ब्रह्मचारी होकर ज्यादा काम करेंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि आप गृहस्थ होकर ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि गृहस्थ होके आपके जीवन में कम से कम एक सुकून और एक संतोष तो है जो ब्रह्मचारी होने पर नहीं होगा। कम से कम यह है कि मेरे घर में मेरी पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, तो घर में पत्नी है, बेटी है, बेटा है, ये आपको बहुत सारे गलत काम करने से रोक लेगा, और वो रुकावट आपकी बड़ी रुकावट है। और अगर घर में कोई नहीं है तो आदमी ऐसे रास्ते पे चल पड़ता है और फिसल भी जाता है जहां से वापस आने का रास्ता नहीं। तो इसलिए मेरा तो सुझाव है कि आप जरूर इस रास्ते पर बढ़िए। बस इतना ही तय करिए कि भाई हमारे जीवन में जैसे हमने सीमाएं तय की हैं, वैसे ही हम अपनी एक सीमा तय करेंगे, गृहस्थ आश्रम बिताएंगे, संयम के साथ बिताएंगे। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया, तेन के तेन भूजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनम। वो कह रहे हैं त्याग पूर्वक भोग करो, खाली भोग मत करो, खाली त्याग भी मत करो, त्याग पूर्वक भोग करो। ये है कृष्ण का उपदेश अर्जुन के लिए। भगवत गीता का सूत्र वाक्य है तेन के तेन भूंजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनम। और यही भगवत गीता में है, तो वही ज्ञानेश्वरी में है, वही दास बोध में है, क्योंकि ये सब भगवत गीता में से ही निकले हुए शास्त्र। तो आप भी यही याद रखो, तेन तेन भूंजीथा मां हृदय कस्य सिद्धनम। जो भी चराचर जगत में है ये त्याग पूर्वक भोग करने के लिए है, खाली भोग नहीं करना है, खाली त्याग नहीं करना है, त्याग पूर्वक भोग करना है, माने मिडिल वे, बीच के रास्ते पे हमको चलना जी। गांव में एक साल में 365 दिन 365 गांव में मैं रहता हूं, और ये गृहस्थ आश्रम में थोड़ा मुश्किल है, गृहस्थ आश्रम में स्थिरता चाहिए, तो मैंने इसलिए शादी नहीं की, तो वो यही एक कारण है, दूसरा कोई दूसरा बड़ा कारण नहीं है। ठीक है, हाँ आप क्या पूछो। हाँ जी, Thank you.
हरे मरा हरे मरा हरे।